गांधी जी के विचारों का मुख्य स्तंभ अहिंसा है, जो कि आज के संदर्भ में उतना ही प्रासंगिक है जितने कि हमारी आज़ादी की लड़ाई के वक्त। इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक विभूषित हस्ती, प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रोफेसर रह चुकी हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को लिखने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुझे याद है इसी शहर में ग्रेजुएशन करते वक्त मेरा इतिहास से मेरा परिचय इन्हीं की किताब से हुआ था। संयोगवश जेएनयू में मेरी पीएचडी इन्हीं के मार्गदर्शन में सफल रही। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी की डायरेक्टर रह चुकी हैं। सेज पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित सेज सीरीज इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एडिटर हैं। वे सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की भी एडिटर रह चुकी हैं। साथ ही साथ वे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस फॉर मॉडर्न इंडिया की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। प्रोफेसर मुखर्जी ने तमाम किताबें लिखी हैं, जिनमें खासकर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो इन्होंने प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, आदित्य मुखर्जी, प्रोफेसर सुचेता महाजन इत्यादि के साथ लिखी। इन किताबों के द्वारा इन्होंने भारत की राजनीतिक चेतना को आकार देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बिना समय बर्बाद किए मैं प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अहिंसा के सिग्निफिकेंस पर अपने विचार व्यक्त करें। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी। जिस सब्जेक्ट पे मुझे बोलने के लिए कहा गया है वो है नॉन वायलेंस एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ नॉन वायलेंस। तो मैं इसमें दो तीन अलग चीज़ें करना चाहूँगी। एक तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो ये स्ट्रैटेजी इमर्ज करी नॉन वायलेंस पे बेस्ड, नॉन वायलेंस खुद में एक स्ट्रैटेजी नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजी का एक प्रिंसिपल है, एक डिफाइनिंग फीचर है जो लिमिट्स डिफाइन करता है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। नॉन वायलेंस एक मेथड भी नहीं है अपने आप में, ना वो मेथड है ना वो स्ट्रैटेजी है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो डिफाइन करता है दोनों को, वो एक लिमिट सेट करता है, उसके कॉन्टूअर्स हमें बताता है और उसके कारण है और क्यों, उसका क्या रोल है स्ट्रैटेजी और मेथड्स डिफाइन करने में, थोड़ा सा ये समझाने की मैं कोशिश करूँगी। दूसरी चीज़ जो मैं कोशिश करूँ, और ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऑफकोर्स ये कैसे इमर्ज करती है, ये सिर्फ गांधी जी के दिमाग से निकली हुई एक कोई मनगढ़ंत बात नहीं थी। हमारा ये मानना है कि जो स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रगल बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एज अ प्रिंसिपल, ये हमारी स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसके शुरुआत से ही उसका हिस्सा रही है। जो प्रथम जो चरण था जिसे हम मॉडरेट्स, रॉन्ग वर्ड है वो उनके लिए डिफाइन करना, पर उनको डिफाइन करने का, पर जो अर्ली नेशनलिस्ट हम जिनको कहते हैं, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, जो कि एक्चुअली बहुत रेडिकल और रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे जिनके, वहाँ से लेके एक्सट्रीमिस्ट जो फेज है उसके थ्रू, तिलक भी कोई वायलेंस में विश्वास नहीं करते थे, वो वायलेंट रेवोल्यूशनरीज जो थे उनको डिफेंड करते थे, पर वो खुद उन्होंने कभी कोई वायलेंट स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रगल नहीं बनाई। इनफैक्ट उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो एजिटेशन की थी, वो पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस की भी नहीं थी। और फिर जो गांधीयन फेज आता है उसमें तो है ही। तो मेरा ये मानना है, और ये मेरी कोई मतलब अपनी ओरिजिनल थॉट नहीं है, ये हमने अपनी किताब में क्लियरली पहले भी लिखा है, और इसके पीछे मेरे गुरु प्रोफेसर बिपिन चंद्रा का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, कि जो मेन जो धारा रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट की, उसमें ये एम्बेडेड था कि ये स्ट्रैटेजी ऑफ स्ट्रगल जो है ये नॉन वायलेंट लिमिट्स के अंदर रहेगी। गांधीयन फेज की स्पेसिफिसिटी और गांधी जी की स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें ये है कि उन्होंने इसको फॉर्मलाइज किया, इसको और एब्स्ट्रैक्ट और एक कंसेप्चुअल शेप दिया,
और नॉन वायलेंस को एक एक तरह से एक प्रिंसिपल, एक फंडामेंटल उसका प्रिंसिपल बना दिया, उसको आर्टिकुलेट किया, उसको डेवलप किया, उस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह, उसका पूरा रूप, उसकी पूरी शक्ल जो है फ्लावरिंग जो है वो गांधीयन पीरियड में हमें मिलती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन वायलेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रगल जो है वो गांधी जी का या गांधीयन फेज का आविष्कार है। मॉडरेट फेज में भी नॉन वायलेंट मेथड्स ही थे, एक्सट्रीमिस्ट में भी नॉन वायलेंट थे और गांधीयन में भी, फर्क किसी और चीज में था, वो था मास मूवमेंट में और दूसरे मेथड्स में। जैसे मैंने कहा, पहले पब्लिक मीटिंग्स, मेमोरियल्स, इंटेलेक्चुअल क्रिटिक का फेज था पहला, उसके बाद एजिटेशनल था मेनली। स्वदेशी मूवमेंट में 1905 से मास मूवमेंट कुछ पैमाने तक शुरू हुआ, कुछ हद तक पैसिव रेजिस्टेंस भी आया, स्वदेशी उसमें आई, और फिर गांधीयन फेज में बड़े पैमाने से ये मास मूवमेंट की शक्ल हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने ली, जिसमें पहले नॉन कोऑपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस और उस पर बिल्ड करते हुए बहुत सारे मेथड्स और एक्शंस जो कि वेरी करते थे, खादी पहनने से लेके क्विट इंडिया सत्याग्रह, इंडिविजुअल से लेके मास सत्याग्रह, नॉन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू से लेके नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारा टैक्स, चरखा पे एम्फसिस, एक विधवा अपने घर में बैठ के चरखा चला रही है, वो भी एक नॉन वायलेंट टेक्निक ऑफ स्ट्रगल था, और एक महिला जो है वो अपने पूरे बंधन तोड़कर, एक यंग मैरिड महिला अपने बच्चे को गोदी में लेके सड़क में प्रोसेशन में हिस्सा ले रही है, अरेस्ट हो रही है और जेल में रह रही है, वो भी उसी नॉन वायलेंट जो मेथड्स और टेक्निक और स्ट्रैटेजी उसका हिस्सा था। इस पे इमेंस वैरायटी ऑफ मेथड्स है, इसलिए नॉन वायलेंस एक मेथड नहीं है। नॉन वायलेंस तो सिर्फ डिफाइन कर रहा है, उसको ये समझना बहुत जरूरी है। तो अहिंसा जब हम कहते हैं, इट इज फर्स्टली इसमें गांधी जी का, जैसे शुरू में जब उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस वर्ड शुरू जैसे उन्होंने जब किया इसको समझना, इसको प्रैक्टिस करना, तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसिव रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट में ये पैसिव वर्ड नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इसमें एक लड़ाकू टोन जो है वो नहीं आती, रेजिस्टेंस की जो बात है वो दब जाती है और पैसिव जो है उसमें ज्यादा लाउड हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया और लोगों को भी बोला कि बताओ के क्राउड सोर्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बताइए कि इसका क्या नाम हो सकता है। तो लोगों ने कई सजेशंस उनको भेजे, जिसमें से उन्होंने फिर कुछ चूज करके कुछ उसको और डेवलप करके सत्याग्रह का जो वर्ड था वो उन्होंने पसंद किया इसको डिफाइन करने के लिए, और 1906 से जब ये शुरू हुआ दक्षिण अफ्रीका में, उन्होंने ये वर्ड सत्याग्रह यूज किया, जिसका मतलब ये था कि अपने पहले आप ये सोच लीजिए कि सत्य क्या है, मतलब आपके असूल क्या है, आपने लड़ना किस चीज पे है। एक बारी जब आप डिटर्मिन कर लेंगे कि आपने लड़ना किस चीज पे है, किस चीज पे टिके रहना है, फिर उसका आग्रह कीजिए, उस पर इंसिस्ट करिए या उस पर टिके रहिए, उस पर बने रहिए। आग्रह का यहाँ पे जो मतलब है वो इस तरीके से आता है, उसको वो सोल फोर्स भी कहते थे। कई तरह से बहुत सारे वर्ड्स यूज करते थे, कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी यूज करते थे लोगों को समझाने के लिए। ही वॉज नॉट अ फंडामेंटलिस्ट वेन इट केम टू टर्मिनोलॉजी। उनके अगर जो मीनिंग था वो लोगों तक पहुंच जाता था तो वो उनके लिए वो काफ़ी था। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग शब्द जो है वो यूज करते थे अपने आइडियाज को समझाने के लिए। तो ये नॉन वायलेंस अहिंसा का जो मीनिंग है, उसका जो लोकेशन है, उसको मैं यही एम्फसाइज करना चाहती थी कि अब इसकी क्यों है
इसमें मैं थोड़े डिफ्यूज तरह से मुझे बात करनी पड़ेगी, एग्जांपल्स मैं कुछ दूंगी कि अहिंसा की इम्पोर्टेंस, नॉन वायलेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसको ये गांधी जी ने जैसे इसको आर्टिकुलेट किया और उसको बनाया, उसका क्रूशल एस्पेक्ट, एक सेंट्रल प्रिंसिपल बनाया, उसकी उसकी क्या मीनिंग थी। मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में अगर दो तीन लाइन पढ़ दूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद मैं जो कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में उतनी अच्छी तरह नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मुझे आदत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में एक्सप्लेन करने की नहीं है। तो मैं दो तीन लाइन सिर्फ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ ताकि जो मैं कह रही हूँ वो आपके तक पहुँच जाए। गांधी जी's नोशन ऑफ सत्याग्रह embodies a complex strategy of militant struggle of which non-violence was one part. It involves a deep understanding of the nature of the modern state, of the capacity of the people to struggle, of the appropriateness of different forms of struggle at different points of time, of when to launch and when to withdraw a struggle. Satyagraha ranges from non-cooperation to civil disobedience, from spinning of yarn to boycott and burning of foreign cloth, from boycott of courts to non-payment of taxes, from selling banned literature to making prohibited salt, from going on a hartal to going on a fast unto death. It includes rallies and mass meetings, sit-ins and long marches, candlelight vigils and offering of flowers to opponents.